हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आशा रखती हूँ कि आप सब ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही मत जाना प्यारे फ्रेंड्स। तो ये मेकअप का वीडियो है, वो मैंने शूट कर लिया है। अगर आप नहीं देखते हैं और नहीं मिलते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मैं गीत ब्यूटीफुल के नाम से हूँ, और फेसबुक के ऊपर मैंने क्या टॉप बना रखी है, टोपी। फेसबुक के ऊपर गीत सुंदरी है और रील में गीत ब्यूटीफुल है, और मेरा एक और चैनल है स्माइली गर्ल चैनल। तो ये सारी जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इट्स फ्री। समय से हमने कोई बातचीत नहीं की, तो लेट्स टॉक। क्या आज हम कुछ बातें कर ले? आप बताएं, आप सब कैसे हैं? आप कभी कभी कमेंट कर देते हैं प्यारी प्यारी, और फिर आप कहीं चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आप बिज़ी हो जाते होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आज हम मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, तो लेट्स टॉक। के इस समय के अंदर न्यू ईयर आ रहा है, पर हमें न्यू ईयर जैसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। सैड नो, यस। क्यों? सबको पता है, अगर ऐसे ही हालत रही इस साल भी तो पता नहीं क्या होगा। हमें डरना तो नहीं है, पर हमें अलर्ट ज़रूर रहना है, और वो भी इसके साथ। और हमारे हार्ट के रंग बदल जाएंगे बदल रहे हैं। इतनी बार हम अपने हैंड को वॉश करते हैं और सैनिटाइज करते हैं, कते रहते हैं, पर क्या करें, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा, बहुत समय से मैंने कोई आप लोगों से बात नहीं की, तो मैं आज आराम से आप लोगों से बात कर लूँ। मेरे कुछ वीडियो है अभी वो स्लो आ रहे हैं, कुछ फूड चैलेंजेस करनी है जो आप लोगों की बहुत प्यारी प्यारी फरमाइशें हैं, वो भी मैं करूँगी। लिविंग इन बालकनी भी करूँगी, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ठंडी है। तो मुझे ऐसे कंबल या तो अपना जो भी है स्वेटर, साल, शॉल और गर्म कपड़े आप अपने पास रखिए, और उसे अपने से चिपका के रहिए ताकि आपको ठंडी ना लगे। और हर स्टेट में, हर दुनिया में, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा 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 ठंडी है, और कई जगह पर बर्फ़ गिर रही है। तो या बाहर घूमना फिरना तो मना है, कोई पार्टी वार्टी करनी नहीं है, तो क्या करें यार, क्या करें, कुछ बातें ही कर लेते बातें ही कर लेते हैं। तो ऐसे मैं अपने दिल को मना रही हूँ कि हमें कैसे मनाया जाए हमारा न्यू ईयर, और आने वाले नए साल के अंदर हमें कोई तकलीफें सहन ना करनी पड़े, और हम आराम से घूम फिर सके हर जगह पर, मॉल में, गार्डन में, फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मना सके, घूम फिर सके, पार्टियां कर सके, कुछ एंजॉय कर सके लाइफ को। तो ऐसे आशा रखती हूँ मैं कि हम ऐसा कर सकें और खुशहाल ज़िंदगी जी सके, लॉन्ग ड्राइव पे जा सके, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा सके, जिस पर अभी अभी बहुत सारी पाबंदियाँ लगी है वो सब कुछ हम कर सके, ऐसी मैं विश करती हूँ मेरे लिए और आप सब के लिए, ताकि हम आराम से लाइफ को एंजॉय कर सके। और नहीं तो अपने घर में तो रहना ही है, घर के अंदर ही कुछ एंजॉयमेंट ढूंढ ले। इंडोर गेम्स, अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन में बहुत सारी बातें करना, ये तो हम करते ही रहते हैं, बट जब बाहर जाते हैं तो कैसे जाना पड़ता है, ये सब आपको मालूम ही है कि कितनी प्रोटेक्शंस लगा के हमें जाना पड़ता है। जैसे कि हम कोई बाहर नहीं जा रहे, पर हम चंद्र के ऊपर जा रहे हैं। वेजिटेबल्स या कुछ सामान लेने जाती हूँ तो इतना सारा प्रोटेक्शन
ऐसा हमें ना करना पड़े और हम आराम से कर सके, कोल्ड ड्रिंक पी सके, केक खा सके, चॉकलेट खा सके, ये तो हम अभी भी कर सकते हैं, पर इतना प्यार से, इतना कहते हैं ना कि सब कुछ डर भुला के जिंदगी जिए, तो ऐसी जिंदगी हम जीने के लिए सोच रही हूँ मैं। स्पेशली मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ और बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ निकलती हूँ कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो सो यार, घर में बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया कि आप लाइव आ जाओ, आप फूड चैलेंजेस करो, आप पर्पल कलर फूड चैलेंज करो। तो इस वक्त मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, ये सब भी बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आगे जाके मैं ये बताऊँगी, मैं कुछ अच्छा अच्छे से और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। तो प्यार करने में और सब्सक्राइब करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त हम इंटरनल यानी कि इंडिया के अंदर ही अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाएं ट्रेन से, बस से या तो प्लेन से, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने तो सफ़र किया, अच्छा रहा पर काफ़ी डर लग रहा था, और आप लोगों ने किया है तो मुझे कमेंट कर देना, और नेक्स्ट में आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं इसकी भी आप कमेंट करते रहना। कुछ लोगों ने स्किन केयर के लिए बोला है, टीनेजर स्किन केयर के लिए बोला है, और किसी किसी ने प्यार वाले वीडियो भी बोला है, तो आप जो भी बोलते हैं वो मैं कुछ ना कुछ वीडियो बना के रखती हूँ। अभी थोड़ी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे, रात को ठंडी, सुबह ठंडी, दोपहर को ठंडी, और सन तो निकलता ही नहीं है बिल्कुल। पास्ता खाते हैं, कभी घर में स्वीट खा लेते हैं, कभी रोटी खा लेते हैं, चपाती खा लेते हैं, और फिर वही का वही दिन शुरू हो जाता है। तो इन रेगुलर दिनों में हम कैसे थोड़ा एक्साइटमेंट ला सके, इसके लिए मैं सोच रही हूँ, जो कि आपको पसंद आए, ऐसे ऐसे मैं वीडियो और बनाऊँ और डालूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकती हूँ, जितनी भी जाती हूँ वो वेजिटेबल मार्केट में भी ऐसे तैयार होके जाना पड़ता है, आपको पता है। तो वैसे तो पूरा साल ऐसे ही बीत गया है, तो आशा रखती हूँ कि ये साल है वो थोड़ा हमारा एंजॉय वाला जाए, और हमने जो मुसीबतें सहन की है वो इस बार हमें सहन ना करनी पड़े, और हम खुशी 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 जंप लगाते रहे इधर से इधर और इधर से उधर। और कुछ फ्लाइट से वो बंद थी, और काफ़ी समय वेट करने के बाद टिकट मिली है, और वो टिकट मिलने के बाद भी थोड़ा सा डर था कि ये कन्फर्म ही है या नहीं है, पर थैंक्स आखिर में के कंफर्म निकला, और हमने सफ़र कर ली, तय कर ली। और इतनी सारी ठंडी लगती है कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा अकड़ जाता है, इसमें एक्सरसाइज करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और गर्मा गर्म चाय पीनी अच्छी लगती है। यस, बस इस वक्त मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि ये दोपहर का टाइम होने को आया है, और सुबह की गर्मा गर्म चाय मैंने पी ली है। चाय पीने से थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ जाती है और हम कुछ भी कर सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे, ऐसी एक फीलिंग आ जाती है। कोई भी वीडियो शूट कर लूँ, कोई भी काम कर लूँ, ऐसा जल्दी से हो जाता है, पर आखिर में वहीं की वहीं आ जाती हूँ, थोड़ा सा फीलिंग लो हो जाता है कभी कभी, मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को फीलिंग लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ है वो कुछ बंदी बंदी सी हो गई है, पैक पैक सी हो गई है, यू नो, घर में ही रहना, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, बाहर खाना मत खाना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस तो कभी किसी ने
ऊपर किसी ने नहीं लगाए होंगे पर हम पर लग गए हैं, और इसका कारण आप जानते हैं, तो फीलिंग लिटिल बिट लो, ये तो होना ही है। तो ये जो न्यू ईयर अभी आने वाला है उसका मैं विशेष दे रही हूँ, और बस हमने जो सहन किया है ये साल वो मैं अगले साल तक ना करना पड़े, और सुना है दूसरा भी उसका कोई बड़ा भाई आ गया है, इसकी बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। कोरोना गया नहीं कि दूसरा गया, ये क्या है भाई बात, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे देश में आ रहा है, किसी ने बुलाया नहीं है तुम्हें। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। तो ऐसे ही मैंने मेकअप लुक है वो थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि हम मेकअप करके कहीं बाहर नहीं जाते। हाँ, घर में ही, घर में फुल डे वेयर हम मेकअप कर सकते हैं, चाहे फेस्टिवल हो या घर में किसी की शादी हो, यू नो ये लॉकडाउन में भी शादियाँ हो रही है तो लोग जा भी रहे, जो नहीं जा रहे वो सोशल मीडिया के थ्रू उसे बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, तो इसमें भी सब काम चल ही रहे हैं, नहीं चल रहा है तो कुछ अच्छी बातें नहीं चल रही है। तो मैं ज़्यादातर पिक्चर्स नहीं देखती हूँ, पर मैं कुछ कुछ फनी वीडियोस देखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, और कुछ मेकअप की ट्राइज करती हूँ, पर उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। सोच रही हूँ अभी और मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड में कौन मेकअप लुक करता है, इसमें तो वैसे ही गाल रेड रेड हो जाते हैं, और इसके अंदर हमें चाय पीना, घर में गर्म पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पकौड़ा पसंद है क्या? मुझे गर्मा गर्म मिर्ची भजी खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आपने बनाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े? तो क्या आप मेरे साथ से नहीं खाएंगे? अरे ज़रूर करो यार, थोड़े से गर्म गर्म मिर्ची पकौड़े भेज दो, आई एम वेटिंग यार, भेजो भेजो भेजो। यही प्यारी प्यारी बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, आप गर्मा गर्म पकौड़ी मिर्ची पकौड़ी बनाओ और हमें भेजो, और मैं आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करूँगी। आप भी बातें कीजिए ना, बात करने की थोड़ी पैसी लगती है, तो आप भी कुछ कमेंट कर दीजिए, उस कमेंट के ऊपर मैं फिर एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ वीडियो बनाए, कुछ अलग स्किन केयर के लिए। हाँ बोला है तो मैं सोचा चलो इसी वीडियो में एक और स्किन केयर वीडियो ऐड कर दूँ क्या। हाँ तो नाइट होने को आई है तो मैं नाइट टाइम स्किन केयर वीडियो मीन्स क्लिप्स लगा देती हूँ। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हूँ, पर इन विंटर सीजन के अंदर हमें स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना वो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और रेड रेड हो जाती है स्किन और ड्राई हो जाती है सबसे बड़ी बात, और जिसकी स्किन ड्राई हो उसे तो बहुत 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 ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत है। तो वही शेयर करती हूँ मैं मेरा स्किन केयर नाइट टाइम रूटीन। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी। तो सबसे पहले हमने जो मेकअप किया है उसे रिमूव कर लेना है। मैं टोनर के साथ थोड़ा सा लेमन ऐड कर देती हूँ और उससे मैं अपने फेस के ऊपर स्प्रे करती हूँ, ताकि विटामिन सी भी हमारी स्किन को मिले। ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर भी स्प्रे करके आप अपने फेस के ऊपर थोड़ी समय के लिए रख सकते हैं, ये बहुत फ्रेश फील कराता है हमें। और फिर टिश्यू से सारा मेकअप है वो मैं रिमूव कर रही हूँ। ऐसे बहुत लंबे समय तक आज का मेरा शूटिंग चला है, क्योंकि मैंने दोनों चैनल के लिए शूटिंग किया और फिर रील का भी शूटिंग किया, तो लंबे समय तक मेकअप रहा मेरे फेस के ऊपर। फिर मैंने बेबी ऑयल है वो अपने फेस के ऊपर लगाया है, ऐसे बेबी ऑयल से स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और विंटर के अंदर हमें थोड़ा कोकोनट ऑयल या तो बेबी ऑयल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में मैंने DIY क्रीम बनाया है वो अपने फेस के ऊपर ऐसे लगाया है। हमारा जो नॉर्मल क्रीम होता है कोई भी मॉइस्चराइज़र, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने 2 ड्रॉप जितना
हनी मिला के उसे लगाया है। फिर नेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल है वो ऐसे लगाया है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील करता है, इसमें हमारी स्किन है उसे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगाते रहिए। नेक्स्ट में मैंने ऐसे निविया का क्रीम लगाया है, ये थोड़ा थिक वाला आता है और ये बहुत अच्छा है, मेरी स्किन को सूट करता है। आपकी स्किन को जो सूट करता है वही मॉइस्चर आप अपने फेस के ऊपर लगाना फ्रेंड्स। और ऐसे ही लगा लगा के अपने फेस को थोड़ा फ्रेश फील कराओ। फिर लास्ट में मैंने अगेन थोड़ा सा टोनर लिया है, लाइट टोनर आता है ये, और अपनी स्किन के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, ऐसे चीक के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छे से ऐसे पेम्पर कर देना है। और अपनी लिप्स को भी मॉइस्चर करना न भूले, तो ये कोका बटर वाला लिप केयर जो आता है वो बहुत अच्छे से सूट करता है और थोड़ा सा पिंक्स भी बना देता है हमारे लिप्स को। तो ये आप कभी भी लगा सकते हैं अपनी लिप्स के ऊपर, सीधा साधा सा लिप केयर है यही।